नमस्कार, मैं काजल मिश्रा, स्वागत है आपका एनवेलाइव। नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्य खबरों पर। राज्य सरकार की मंजूरी के बाद अब नाबार्ड ने सभी 35 प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने की दे दी अनुमति। पीडब्ल्यूडी इन प्रोजेक्ट पर बर्फबारी से पहले टेंडर प्रक्रिया पूरी करने की है तैयारी में। पीडब्ल्यूडी ने मौजूदा वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित किए थे 51 प्रोजेक्ट और इनमें से 35 को पहले चरण में मिल गई है मंजूरी, जबकि 16 प्रोजेक्ट अभी भी है पाइपलाइन में। हिमाचल सहित पूरे उत्तर पश्चिम हिमालयी क्षेत्र में लगातार मौसम बना हुआ है शुष्क। शिमला सहित अन्य भागों में आज भी साफ बना रहा मौसम। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के उच्च पर्वतीय कुछ स्थानों पर 29 अक्टूबर को बारिश बर्फबारी के हैं आसार। इसके बाद 30 अक्टूबर से 3 नवम्बर तक मौसम साफ बने रहने का है पूर्वानुमान। उधर राज्य के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बढ़ गई है ठंड। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि मंगलवार को होगा धनतेरस। इस दिन धन देवी लक्ष्मी और कुबेर का पूजन करने का है विधान। धन त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल यानी सूर्य अस्त और रात्रि की संधि के समय बन रहे त्रिपुष्कर योग। ऐसे में शाम 6:38 से 8:24 तक रहेगा प्रदोष काल। इस शुभ मुहूर्त में माता लक्ष्मी और कुबेर का पूजन करने से प्राप्त होगा शुभ फल। हिमाचल प्रदेश के किसानों को उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध करवाने पर सरकार खर्च करेगी करोड़ों रुपए। अनाज, दाल, तिलहन, चारा, आलू, अदरक और हल्दी के अलावा अन्य बीजों पर किसानों को दिया जाएगा अनुदान। प्रदेश सरकार के आदेशों पर कृषि विभाग 17,000 क्विंटल बीज करवा रहा है तैयार। किसानों को पेश न आए खाद की किल्लत, इसके लिए 2,77,00,000 रुपए होंगे खर्च। हिमाचल में बिजली बोर्ड कर्मचारी इंजीनियर प्रदेश भर में कर रहे हैं प्रदर्शन। प्रदेश में 61 जगह विद्युत कर्मचारी ने दिया धरना। इस दौरान राज्य सरकार के खिलाफ की जोरदार नारेबाजी। विद्युत कर्मचारी, ओपीएस और इंजीनियर के समाप्त किए गए 51 पदों की बहाली और नौकरी से हटाए गए 81 आउटसोर्स ड्राइवरों को वापस नौकरी पर रखने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सीएम ने आर्थिक संकट का रोना रोकर जनता को असल मुद्दों से रखना चाहा दूर। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने 5 साल में मात्र 19,000 करोड़ का लिया ऋण, जबकि कांग्रेस ने मात्र 2 साल में 30,000 करोड़ का ले लिया है ऋण। इतना पैसा आने के बावजूद कहां किया जा रहा है खर्च, इसका मुख्यमंत्री दे हिसाब। खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने डिपो से लगातार 3 माह तक सस्ता राशन न लेने वाले उपभोक्ताओं के राशन कार्ड ब्लॉक करने कर दिए शुरू। अब तक बंद किए जा चुके हैं प्रदेश के 1350 कार्ड। विभाग का है मानना कि इन उपभोक्ताओं को सस्ते राशन की नहीं होगी जरूरत, इसलिए डिपो से नहीं ले रहे होंगे सस्ता राशन। प्रदेश सरकार ने जिला खाद्य नियंत्रक अधिकारियों को 3 महीने से राशन न लेने वाले उपभोक्ताओं के कार्ड ब्लॉक कर मुख्यालय को सूचित करने के दिए निर्देश। हिमाचल की जेलों में कैदियों की लगातार बढ़ रही संख्या के मद्देनजर 3 नई जेलें बनाने की है तैयारी। संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आज्ञा पत्र के बाद गृह विभाग ने प्रदेश के शिमला, सोलन और कांगड़ा जिले में नए जेलों के निर्माण का लिया फैसला। इस बाबत अतिरिक्त मुख्य सचिव ने महानिदेशक कारागार एवं सुधार सेवा निदेशालय को दिए निर्देश। दिवाली के मौके पर 31 अक्टूबर को भी एचआरटीसी की रात्रि बस सेवा होगी संचालित। निगम प्रबंध ने दिल्ली, चंडीगढ़, हरिद्वार और शिमला के मंडली प्रबंधकों से कम एक एक रात्रि बस चलाने के दिए निर्देश, जिससे आपातकालीन स्थिति में सफर करने वाले लोगों को उपलब्ध करवाई जा सके परिवहन सुविधा। शिमला पुलिस ने चट्टा तस्कर गिरोह राधे गैंग के 6 आरोपियों को रामपुर से एक साथ किया गिरफ्तार। बीते 17 अक्टूबर को लगभग 47 ग्राम चिट्टा के साथ गिरफ्तार किए जा चुके इस गैंग के 2 आरोपी, इनसे पूछताछ के बाद पुलिस ने पकड़ा है 6 आरोपियों को। पुलिस को है आशंका कि अभी और भी सदस्य इस गैंग में हो सकते हैं शामिल। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की अब तक की मुख्य खबरें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनवेलाइव।